गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ नोड लिस्ट नोड, ठीक है। सेकेंड है आपके पास एन एज लिस्ट एज। तो जो नोड लिस्ट है आपकी, वो नोड को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब जो ये नोड है, नोड लिस्ट में आपका ये नोड रिप्रेजेंट होगा और एज लिस्ट में आपका एज रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नोड लिस्ट के आपके टाइप के किस किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, जो मैंने नोड लिस्ट नोड का एक स्ट्रक्चर बनाया, नोड लिस्ट का ये साइड में आपको दिखता होगा। जो नोड है, सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर जो लिस्ट ले रखी है, हम जब ये बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें लेते हैं नोड, फिर नेक्स्ट में लेते हैं नेक्स्ट और फिर एडजेसेंट लेते हैं। इसी टाइप आप क्या कर सकते हो, इसी तरह सेम कंटिन्यू आगे करते हो। जो मैंने लाइनिंग लाइनिंग बनाई है, इसी तरह आप सेम कंटिन्यू आगे करते हो, ठीक है। नोड, नेक्स्ट और एडजेसेंट। तो जो नोड है आपका, नोड में क्या आएगा, की वैल्यू। की वैल्यू मतलब, जब अभी हम डायग्राम बनाएंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा, की वैल्यू मतलब कोई भी वर्टिसेस या नोड वो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पे आपका पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये पॉइंटर तब होगा जब हम नेक्स्ट नोड के लिए काम करेंगे। जैसे अगर हमारी नोड वन है तो नोड के लिए दूसरी नोड आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट नोड टू पे आएंगे। इस तरीके से ये पॉइंटर आपका नीचे की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। एडजेंसी क्या होता है कि पॉइंटर टू द लिस्ट एज, जो लिस्ट सॉरी नहीं, पॉइंटर टू द फर्स्ट एज ऑफ एडजेंसी लिस्ट। ये फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट एज ऑफ एडजेंसी लिस्ट। इसमें क्या होगा, जो पॉइंटर होगा उसकी हम एडजेंसी लिस्ट बनाएंगे कि कितने पॉइंटर उसके अंदर है। अभी जब हम इसका अच्छे से ग्राफ बना के आपको शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, नोड लिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख लेते हैं एज लिस्ट का स्ट्रक्चर। ये जो नीचे दे रखा है वो एज लिस्ट का स्ट्रक्चर है। एज लिस्ट के स्ट्रक्चर में आप देखिए, आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। एक दे रखा है डेस्ट, दूसरा दे रखा है लिंक। डेस्ट आपका डेस्टिनेशन से लिया गया है। लिंक क्या है, लिंक द एजेस। हम जो एजेस कनेक्ट करते हैं वो आपका क्या होता है, लिंक करना, ठीक है। दूसरा क्या है, डेस्ट यानी कि पॉइंट्स टू द लोकेशन इन द लिस्ट नोड ऑफ द डेस्टिनेशन टर्मिनल नोड इन द सेम एजेंसी लिस्ट। तो क्या करना है आपका, पॉइंटर जो है, पॉइंटर टू द लोकेशन इन द लिस्ट नोड ऑफ द डेस्टिनेशन और टर्मिनल नोड्स इन द सेम एजेंसी लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी दो स्ट्रक्चर बन गए, एक नोड लिस्ट का स्ट्रक्चर बन गया, एक एज लिस्ट का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देख लेते हैं ग्राफ, देख लेते हैं एक। ये हमने ग्राफ ले रखा है जिसमें हमारे पास फाइव नोड प्रेजेंट है। आपको दिखता होगा फाइव वर्टिसेस प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। ये फाइव नोड प्रेजेंट है। तो नोड हमने एक तरफ लिस्ट बना ली, एक तरफ नोड ले लिया, दूसरी तरफ हमने ले लिया एडजेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंट लिस्ट में आपने क्या क्या देखा है, जो वन नोड से आपकी कितनी वैल्यूज जा रही हैं। वन से आपका थ्री भी कनेक्ट हो रहा है, वन से आपका टू भी कनेक्ट हो रहा है, वन से फोर भी कनेक्ट। तो जो आपकी वन नोड है उससे तीन रास्ते जा रहे हैं। एक वन से आप थ्री पे भी जा सकते हैं, थ्री नोड से, वन से टू नोड पे भी जा सकते हैं, वन से फोर नोड पे भी। तो एडजेसेंट लिस्ट में आपका क्या आ जाएगा, 2 3 4, यानी कि वन नोड से हम टू पे भी जा रहे हैं, थ्री पे भी जा रहे हैं, फोर पे भी जा रहे हैं। और टू नोड से देखिए, टू नोड से आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है थ्री पे जाने के लिए, तो उसका एडजेसेंट लिस्ट क्या होगी, थ्री, ठीक है। एक और थ्री से आप देखिए, थ्री नोड से आप कहाँ जा रहे हो, थ्री नोड से आपके पास सारी डायरेक्शन आ रही है लेकिन आप जा नहीं रहे हो वहाँ से, तो इसका मतलब नल खाली है, तो मैंने डैश लगा के छोड़ दिया है, ठीक है, एडजेसेंट लिस्ट में। ऐसे ही आप फोर नोड से देखिए, फोर नोड से कितने रास्ते जा रहे हैं, एक आपका फाइव के पास जा रहा है, एक थ्री के पास जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि थ्री एंड फाइव, फोर नोड से आपके एडजेसेंट लिस्ट कितनी बन रही है, 3.5। और फाइव नोड से आपकी कितने रास्ते जा रहे हैं, फाइव नोड से ओनली थ्री वाले पे जा रहे हो आप, देखिए नीचे की तरफ। तो यानी कि फाइव का जो एडजेसेंट लिस्ट है वो क्या है, थ्री। तो आपने इस ग्राफ से पहले नोड लिख ली, नोड तो हमें साफ दिख रही थी कि फाइव नोड है हमारे पास और उसके एडजेसेंट लिस्ट हमने चेक कर लिए कि कौन कौन से होते हैं। इससे हम देखेंगे कैसे हमारा ये ग्राफ कैसे बनता है। तो ये आपको जो कुछ इस तरीके से मैंने बना रखा है, आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसकी नोड लिस्ट बनाएंगे। तो नोड लिस्ट के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले क्या होता है, नोड होता है, फिर नेक्स्ट होता है, फिर एडजेसेंट होता है। तो नोड, नोड का मतलब यानी कि हमारे पास फाइव नोड है, तो फाइव बॉक्स बना लेंगे। जैसे मैंने ये ले रखा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइव बॉक्स बना लोगे। फाइव बॉक्स लिया आपने, इस तरीके से आपने फाइव बॉक्स बना लिए। फाइव बॉक्स मतलब यानी कि आपके पास फाइव नोड थी, तो फाइव नोड है इसका मतलब यहां पे तीन होगा। फाइव नोड में आपके पास
तीन है, यानी कि ये आपका वन, और आप फिर नीचे तीन डब्बे बना लोगे क्योंकि नोड लिस्ट के लिए आपको थ्री आपको ज़रूरत पड़ती है थ्री लिस्ट की, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें थ्री ब्लॉक होते हैं आपके, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये आपका थ्री हो गया, ये थ्री नोड हो गई, और ये आपकी फोर नोड हो गई, इस तरीके से ये आपकी फाइव नोड हो गई। ठीक है, तो हमने वही काम किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो काम किया है वो यहाँ पे यही किया है कि नोड लिस्ट में सबसे पहले हमने फाइव बॉक्स बना रखे हैं, यानी कि फाइव लिस्ट बना रखी हैं, क्योंकि हमारे पास फाइव नोड थी। सबसे पहले हमने ये वन के लिए बनाई है, तो वन के लिए तीन ब्लॉक बनेंगे, वन सबसे पहले नोड आ गई उसमें वन, और दूसरा आपका वहाँ क्या आएगा, पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब नेक्स्ट नोड पर आपका पॉइंटर आएगा, और वहाँ पर आपकी लिस्ट आई है, लिस्ट का मतलब ये फॉलो करेगी कि कितने ब्लॉक आपके आगे बन जाएँ। तो जैसे कि मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि आपका जैसे ये वन नोड है, वन नोड इसका पॉइंटर वन है, तो ये नेक्स्ट नोड के लिए इसने इसलिए एरो बना दिया कि नेक्स्ट नोड पे जा रहा है। तो नोड हमारे पास कितनी हो गई, वन लिस्ट, टू लिस्ट, थ्री लिस्ट, फोर लिस्ट, फाइव लिस्ट, ये जो लिस्ट होती हैं हम नोड को देख के बनाते हैं। हमारे ग्राफ में फाइव नोड थी तो फाइव हमने लिस्ट बना ली, तो फाइव लिस्ट जो नोड लिस्ट के लिए बनाएंगे तो तीन ब्लॉक बनेंगे, तीन ब्लॉक में सबसे पहले एक में नोड आएगा, दूसरे में आपका पॉइंटर आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा दूसरी लिस्ट के लिए, तो दूसरी लिस्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि वो जितने भी पॉइंटर होंगे हर लिस्ट के अंदर जो पॉइंटर होंगे वो नीचे को आपके पॉइंट करेंगे दूसरे पॉइंटर को, यानी कि अब इसकी वैल्यू आए। मेन काम आपको एडजेसेंट का देखना है, एडजेसेंट ब्लॉक क्या करता है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखा रही हूँ आपके पास फाइव लिस्ट हैं, छोटा छोटा बना लेते हैं जिससे आपको दिख जाए, ये फाइव लिस्ट हैं, सब में आपके तीन ब्लॉक हैं, ठीक है, तीन आपके ब्लॉक हो गए, हर ब्लॉक में आपकी एक नोड है, यानी कि वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इसके बाद आपके पास पॉइंटर है, बीच में आपका क्या होता है कि पॉइंटर आता है, यहाँ पे आपका पॉइंटर है, ठीक है, इस तरीके से जी कि आपके पॉइंटर दे रखे, पॉइंटर जो आपका क्या कहता है, मैंने जो नोड लिस्ट अभी आपको दिखाई थी, नोड लिस्ट में पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है कि नेक्स्ट नोड पे आपका जाना चाहिए, तो ये पॉइंटर नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, यानी कि ये वाला काम खत्म हो जाएगा तो ये दूसरे पे आएंगे, जितने भी पॉइंटर हैं सब नेक्स्ट नोड के लिए जाएंगे, ठीक है, वो ऐसे शो कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारा ये तीसरा है, तीसरे में हमारी एडजेंसी मैट्रिक आती है, एडजेंसी मैट्रिक की जो हमने लिस्ट बना रखी है, लिस्ट में आपने देखा होगा कि उसके लिए हमने, यानी कि जो हमारी वन नोड थी वो टू से कनेक्ट थी, थ्री से कनेक्ट थी एंड फोर से कनेक्ट थी, तो उसके लिए यानी कि जो हमारी नोड थी वो वन से कनेक्ट है, ऐसे टू से कनेक्ट है और थ्री से कनेक्ट है, वही हमने ब्लॉक बना के रख दिखाए हैं, वो आपको इधर मैं दिखाती हूँ, देखिए ऐसी नोड लिस्ट है, तो ये वन के लिए कनेक्ट है, ये टू के लिए कनेक्ट है और ये ऐसी फोर के लिए, इधर लिस्ट आप देख सकते हो कि वन नोड जो है वो टू से कनेक्ट है, थ्री से कनेक्ट है, फोर से, इसलिए हमने एडजेसी लिस्ट जो बनाई है वो तीन ब्लॉक बनाए हैं, या पहले आपका जो है वो वन से कनेक्ट है, यह आपका वन से है, सॉरी ये आपका टू से है, यह आपका थ्री से है, यह आपका फोर से है। अब ये जो टू वाला है, जब ये नेक्स्ट उस पर जाएगा तो नेक्स्ट वाला आपका ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा टू, और थ्री वाला थ्री वाली नोड पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फोर गया तो फोर नीचे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपके बनेंगे। अब जब टू वाले लिस्ट पे आएंगे, हम नोड लिस्ट टू पे आएंगे, तो टू का पॉइंटर, टू के पास हमारी क्या वैल्यू थी, टू के पास ओनली आपकी थ्री पॉइंटर था, मतलब थ्री डायरेक्शन जा रही थी, तो यहाँ पे आपकी थ्री डायरेक्शन जा रही थी, जो थ्री कनेक्ट हो जाएगी दोबारा थ्री से, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो थ्री वाली नोड है, थ्री वाली नोड का कोई है ही नहीं तो हमने इसलिए क्रॉस लगाया, यहाँ पे आपको क्रॉस दिखता होगा, ठीक है। ऐसे ही फोर नोड पे आते हैं, फोर नोड से आपकी कौन कौन सी जा रही है, एक तो थ्री जा रही है और एक जा रही है आपकी फाइव, तो जो ये वाला नोड होगा वो फाइव से कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला नोड होगा वो थ्री से कनेक्ट हो जाएगा, और जो लास्ट है आपकी फाइव लिस्ट में क्या जा रहा है, फाइव लिस्ट आपकी थ्री के लिए बन रही है, यानी कि थ्री उससे कनेक्ट हो रहा है, तो हम थ्री को जाके जोड़ देंगे। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से, जब हमने नोड लिस्ट बनाई है, हमने सबसे पहले क्या किया है, फाइव नोड लिस्ट ले रखी है, पहले ले रखी है वन टू थ्री फोर फाइव, वन पे हमने जो बीच में दिखाया है वो पॉइंटर दिखाया, पॉइंटर डिनोट करता है नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट लिस्ट पे जाने के लिए, तो वो नेक्स्ट लिस्ट पे जाने के लिए जो आपकी टू नोड वाली लिस्ट थी उस पे चला गया, टू नोड वाली लिस्ट आपकी थ्री लिस्ट पे चली गई, थ्री वाली लिस्ट आपकी फोर पे चली गई,
फोर वाली लिस्ट फाइव पे चली गई। उसका काम सिर्फ पॉइंट करना होता है दूसरी लिस्ट को। और जो आपका लिस्ट है, लिस्ट में आपका क्या आता है, एडजेंसी, जो आपका लास्ट वाली है थर्ड वाला है उसमें आता है एडजेंसी लिस्ट। तो एडजेंसी लिस्ट में आपका जो वन था, वन नोट था, वो तीन नोट से कनेक्ट था, यानी कि टू थ्री फोर। तो हमने टू थ्री फोर के ये ब्लॉक बना लिया आगे। अब टू वाले को टू से कनेक्ट कर दिया, थ्री वाले को थ्री से कनेक्ट कर दिया, फोर वाले को फोर नोट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका जो टू था, टू किससे कनेक्ट था, टू थ्री से कनेक्ट था, यानी कि टू वाली डायरेक्शन सिर्फ थ्री में जा रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे टू का खाली थ्री में जा रहा था, तो एक ही ब्लॉक बनेगा थ्री का और उसको थ्री से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद थ्री वाली जो नोड थी वो किसी से कनेक्ट नहीं थी, यानी कि वो नल था, तो इसलिए हमने देखिए क्रॉस का निशान लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद फोर वाली पे आएंगे, फोर वाला किस किस से कनेक्ट है, थ्री और फाइव से। तो थ्री और फाइव के दो ब्लॉक बना लेंगे, दो में दो दो ब्लॉक बना लिया आपने, तो थ्री वाले का क्या करेगा, थ्री से कनेक्ट हो जाएगा और जो आपका फाइव वाला है वो फाइव से कनेक्ट हो जाएगा। फाइव ओनली क्या दे रहा है, थ्री, फाइव ओनली थ्री दे रहा है, तो वो थ्री से जाके हमने कनेक्ट कर दिया। एरोस पे दिखा देंगे, इस तरीके की हमारी नोड लिस्ट जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती हैं, आपकी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ये आपने इस तरीके से देख लिया, सबसे पहले आप एक ग्राफ से लिस्ट बनाएंगे, उसमें नोट करेंगे, तो ये आपकी एजेस भी कनेक्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये नोड लिस्ट देख ली, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और इसको आप घर पे खुद से बना के देखिएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ये डेटा स्ट्रक्चर में बहुत पूछा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर का ही ये पार्ट में आता है, उसके ग्राफ में पढ़ाएंगे, पढ़ोगे भी आप आगे देखना। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ये आज आपका जो आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था वो आज ख़त्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।